मैं कहती हूँ हमारे नेता जी तो जीते हुए थे सांसद महोदय, उन्होंने कहा दीदी आपकी आवश्यकता है, आपकी जय हो, आप आइए इस महिषासुर का मर्दन करिए, आपकी जय हो, आप आइए इस महिषासुर का मर्दन करिए, आइए इस महिषासुर का मर्दन करिए, आइए इस महिषासुर का मर्दन करिए, आइए इस महिषासुर का मर्दन करिए। देश में किसी प्रकार से कोई भ्रमित हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, अनाचारी हो जाता है, खुला हो जाता है, तो उसका विनाश करने के लिए स्वयं महिषासुर मर्दनी को आना पड़ता है, और महिषासुर मर्दनी आई है भगवा वेश पहन करके, इनको इनके शब्दों में ही जवाब देना, तो उसका विनाश करने के लिए स्वयं महिषासुर मर्दनी को आना पड़ता है, और महिषासुर मर्दनी आई है भगवा वेश पहन करके, तो उसका विनाश करने के लिए स्वयं महिषासुर मर्दनी को आना पड़ता है, और महिषासुर मर्दनी आई है भगवा वेश पहन करके, तो उसका विनाश करने के लिए स्वयं महिषासुर मर्दनी को आना पड़ता है, और महिषासुर मर्दनी आई है भगवा वेश पहन करके, इनको इनके शब्दों में ही जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने भगवा को आतंक कहा है, इस चुनाव में ये तय हो जाएगा कि भगवा आतंक होता है या नहीं होता है। अगर इन लोगों ने जिस प्रकार से भगवा को आतंक कहा है, तो ये सुनिश्चित है ये विधर्मी है, ये सुनिश्चित है ये भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है, ये सुनिश्चित है ये देश के विरुद्ध है, ये धर्म के विरुद्ध है, ये विकास के विरुद्ध है, ये प्रगति के विरुद्ध है, ये समृद्धि के विरुद्ध है, ये आपके विरुद्ध है, ये आपके विरुद्ध है, ये सबके विरुद्ध है, ये प्रगति के विरुद्ध है। जब किसी को कष्ट दिया जाता है, कहा जाता है जब माता सीता को रावण हर करके लेकर जा रहा था, तो पक्षी भी अपनी जान लिए हैं और पेड़ भी रोए हैं और हवा भी रोई है, हम आज भी वही कह रहे हैं कि जब मुझे पीड़ित किया जा रहा था तो एक एक श्वास रो रही थी, जब मुझे पीड़ित किया जा रहा था तब एक एक पत्ता रो रहा था, और जब मुझे पीड़ित किया जा रहा था उस समय में एक एक नारी की पीड़ा अपने मन में समाहित कर रही थी, मैं सहन करूंगी, लेकिन आज के बाद कोई भी राष्ट्रभक्त को अब ये पीड़ा सहन ना करनी पड़े। इसके मुझे पीड़ित किया जा रहा था तब एक एक पत्ता रो रहा था, और जब मुझे पीड़ित किया जा रहा था उस समय में एक एक नारी की पीड़ा अपने मन में समाहित कर रही थी, मैं सहन करूंगी, लेकिन आज के बाद कोई भी राष्ट्रभक्त को अब ये पीड़ा सहन ना करनी पड़े। इसके मुझे पीड़ित किया जा रहा था तब एक एक पत्ता रो रहा था, और जब मुझे पीड़ित किया जा रहा था उस समय में एक एक नारी की पीड़ा अपने मन में समाहित कर रही थी, मैं सहन करूंगी, लेकिन आज के बाद कोई भी राष्ट्रभक्त को अब ये पीड़ा सहन ना करनी पड़े। इसके